हथीन में एजुकेशन की प्रॉब्लम है। आपके हथीन के अंदर महिला कॉलेज खुले, दो तीन मिडकोला कॉलेज खुला, उनके अंदर स्टाफ नहीं है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम यानी कि जो राजकीय है, सरकारी है, सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपके हथीन के अंदर जो हेल्थ की कंडीशन अगर आती है, हेल्थ वाइज अगर देखते हैं तो आपका नागरिक अस्पताल का भवन तो अच्छा बन गया, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा भी आज तक लोगों को पूरी नहीं होती, डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं। इसके बाद में अगर देखते हैं तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी अगर देखें तो शाम को 5 बजे के बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप हो जाती है। इन तीनों के लिए मनोज रावत की क्या योजना है कि अगर सरकार ने या विधायक बनने का मौका मिल जाए? सबसे पहले तो युवा साथियों के लिए रोजगार के लिए, शिक्षा अच्छी होगी तो रोजगार के लिए आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद हेल्थ पे भी अपना फोकस करेंगे। अब विधानसभा चुनाव के लिए एकदम से क्या मन में आया, नौकरी छोड़ दी? विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। मद्दू साहब, लोकतंत्र है, हर कोई चाहता है अपने आप को आगे लेके आना। पार्टी का आशीर्वाद हो गया, माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर जी का पूरा आशीर्वाद रहा है, उनका पूरा प्यार रहा है। पार्टी में अगर मेरे ऊपर विश्वास जताए तो रावतपाल से आते हैं। आपने कहा रावतपाल से और भी बहुत सारे लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले नाम मनोज रावत का कह दिया मैंने, आप मेरे साथ बैठेंगे। मनोज रावत के गांव से केहर सिंह रावत, आप शिव सिंह रावत, कर्नल राजेंद्र रावत हरवा गांव के, मुझे वो भी कह रहे थे मैं भी तैयारी कर रहा हूं। तो ये चार नाम तो प्रमुख हैं। इन चार में मनोज रावत को रावतपाल क्यों अपनाए या क्यों समर्थन दे ज्यादा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। विधानसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव की आहट हो चुकी है और तमाम राजनीतिक दल लगे हैं तैयारियों में। एक तरफ जहां पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग जिनको मन में कहीं हिलोर है चुनाव लड़ने का, या फिर जिनको लोग चाहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि बन के आए, और या फिर वो लोग जिनको कि खासकर राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हुए एक अरसा हो गया या जिनकी शुरुआत है, यानी कि सभी लोग जिनका कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रहता है, वो भी अपनी तैयारियों में हैं। मैं आपको कई बार अपने वीडियोस में कहता रहा हूं कि भारत युवा देश है। भारत एक ऐसा देश है कि जिसकी लगभग 60% आबादी 40 साल से नीचे के लोगों की है, यानी कि अगर पूरे विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो भारत सबसे जवान देश है। और युवा देश इसके साथ साथ विकसित होता हुआ देश एक, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो निगाह रहती है लोगों की, वो जाती है उस शक्ति पर जिस पर कि जिसके कंधों पर सरोकार है, जिसके कंधों पर आने वाले समय की किस प्रकार की हमारे यात्रा हो, विकास की सोच कैसी हो, इन सब को लेकर के मतदाता भी सोचते हैं। और मैं भी लगातार आपसे कई बार ऐसे लोगों को मिलवाता रहता हूँ, और आज भी एक ऐसी शख्सियत के साथ आपके बीच मौजूद हूँ। पलवल जिला परिषद की चेयरमैन हैं इनकी धर्मपत्नी, और इनका नाम है मनोज रावत। मनोज जी, आपका स्वागत है देश रोजाना पर। सबसे पहले तो मग्गू साहब, मैं आपके चैनल देश रोजाना के माध्यम से हथीन क्षेत्र की जनता को नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आज मुझे आपने मौका दिया जी, मेरा संदेश मेरे हथीन क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने के लिए जी, उसके लिए आपका शुक्रिया है, धन्यवाद है। मैं मनोज जी के बारे में आपको बताऊं, जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति के अंदर पाल, गोत्र, खाप ये सब चलता है। तो मनोज रावत पाल से आते हैं, 36 साल के युवा हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर सेवारत थे। पिछले दिनों जब इनकी धर्मपत्नी ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो उसके बाद में इन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी से सेवानिवृत्ति लेकर, यानी कि इस्तीफा देकर के खुद भी राजनीति के मैदान में सक्रिय होने की भूमिका शुरू कर दी। मनोज रावत जी, चुनाव का मन में कैसे आया एकदम से, जो चुनाव लड़ा जिला परिषद का पिछली बार, क्या मन में विचार आया कि चुनाव लड़ लिया जाए? मग्गू साहब, मैं तो नौकरी करता था दिल्ली पुलिस की, और बहुत अच्छे से नौकरी की मैंने, सेवा की है लोगों की बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठा से। तो अचानक ही एक्चुअल में क्या है, मेरे जो वार्ड है, वार्ड नंबर 7 है, तो उसमें 3 गांव, रावतपाल के 2 गांव, नांगलजाट और अंधोप। नांगलजाट की 3500 वोट है, अंधोप गांव की 3000 वोट है, और एक हमारे ही अंधोप गांव से और नांगलजाट के बीच में गांव पड़ता है अली ब्राह्मण, वो हमारे पंडितों का गांव है, 1300-1400 के लगभग वोट उसमें है।
ये हमारी कुल मिलाकर 3500 और 3000 6500 और 1400 वोट, यानी कि लगभग 8000 वोट, लगभग 7500 वोट हमारे हिंदू समुदाय की थी। और हमारे जो बड़े गांव लगते हैं हमारे वार्ड में, कोट गांव में जो हमारे पूर्व में सचिव रहे थे चौधरी, मैं बताता चलूं, जो नांगल जाट गांव जो बता रहे हैं, जो मनोज रावत गांव है, इस नांगल जाट से पहले विधायक रहे केयर सिंह रावत, जो इन्होंने कोट गांव बताया, तो कोट के गांव से विधायक रहे हैं चौधरी जलेब खां, संसदीय सचिव रहे, निर्दलीय विधायक बने थे, यानी कि दोनों प्रमुख ऐसे गांव की जहां से राजनीति चलती है जी। और बाकी तो और गांव से थे, और एक हमारे ही भाईचारा भी है, नजदीकी गांव है, आली मेव, खाई का, पावसर, नांगल सभा, ये पांच गांव, एक कोट मीठा का, ये पंचायत एक मीठा का गांव भी है, ये छह गांव हमारे मोमदन समुदाय के, यानी कि छह गांव मुस्लिम में, मुस्लिम समाज के, और पांच गांव इसके अंदर हिंदू समाज, तीन गांव हिंदू समाज के, और 7500 वोट हमारे हिंदू समुदाय की थी और 20500 वोट मुस्लिम समुदाय की थी जी। तो अचानक ऐसे ही भाईचारे में बैठे थे, तो हमारे यहाँ से जिला पार्षद पहले हुए मोहम्मद रजाक जी, तो वो ऐसे ही हमारे हिंदुओं में से कोई इलेक्शन नहीं लड़ता था, लड़े भी थे कि आली ब्राह्मण से, लेकिन मुस्लिम समुदाय की वोट उन्हें नहीं मिली थी, एक तरफा वो इलेक्शन जीत जाते थे हमेशा। ऐसे ही बैठे थे, भाईचारे का प्यार था, चर्चा चलने लगी, तो जो वर्तमान में सरपंच है कोट गांव के मोहम्मद बिलाल, 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इनके परिवार से, चौधरी जयदेव खान के परिवार से अलग हटके एंटी जो है कोई सरपंच बना है, 70 साल में पहली बार हुआ है। वो हमारे गांव के एक स्कूल में पढ़ता था और उसका लगातार हमारे बच्चों में, छोटे भाइयों में लगातार संबंध थे, हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनसे लगातार संबंध थे उनके, उनके साथ वो क्लासमेट रहे, जब से ही लगातार संबंध रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ इलेक्शन लड़ो, कोई भी लड़ लो आप लोगों में से, हिंदुओं के समाज में आप मेहनत करो और अपने गांव में और मोमदन क्षेत्र में मैं मेहनत करूंगा और आपका साथ दूंगा। तो हमारी जो सारी टीम बैठी थी, हम 10-12 लड़के बैठे थे, युवा लड़के बैठे थे, तो उन्होंने कहा प्लान कर लेते हैं, बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद लेके एक बार पूछताछ करके जैसे भी आदेश में कहते हैं बोल बतला ले, वही बात नॉर्मली एक कहने लगे भाई आप तैयार हो जाओ मनोज भाई, महिला सीट है, आप ड्यूटी करते रहे ना, महिला सीट है, मैडम चुनाव लड़ लेंगी। तो चलो फिर ऐसे ऐसे भूमिका बनती चली गई, चुनाव नजदीक आ गया, मैडम का फार्म भरवा दिया, सबसे पहले गांव की पंचायत की, गांव में भी हमारे पार्टीवादी रही है पहले से ही सभी, और हर कैंडिडेट हमारे पूर्व विधायक रहे, बड़े भाई है मेरे आदरणीय केयर सिंह रावत जी, उन्होंने भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है, एक बार 2009 में इनेलू की पार्टी से चुनाव लड़ा था, 2014 में फिर वो चुनाव जीते थे, बड़े भाई हैं, उनके टाइम से ही पार्टीबाजी हो ही जाती है ऑलमोस्ट, जिस गांव से विधानसभा कैंडिडेट निकलता है तो पार्टीबाजी, एक बार वो सरपंच भी रही है तो सरपंच लेवल पर जो चुनाव लड़ते हैं तो पार्टीबाजी थोड़ी हो जाती है, पार्टीबाजी रही है पहली बार, मुझे तो पता नहीं है, मेरी याददाश्त में तो सुनते ही है बड़े बुजुर्गों से, पहली बार एक ऐसी पंचायत हुई थी गाँव से, पूरा गाँव एक साथ हो गया था मेरे इलेक्शन के लिए, आपके सब में, हाँ, में। पूर्ण बहुमत से पूरा गांव संगठन के साथ मेरे साथ खड़ा हुआ, मतलब पहले गांव ने सपोर्ट किया, पहले गांव ने सपोर्ट किया, फिर अंधोप गांव ने सपोर्ट किया, फिर आली ब्राह्मण भी वो हमारे गांव में आता है। कितने वोट मिले आपको? मुझे अपने अपने टोटल वोट 90% मुझे अपने हिंदू समुदाय से वोट मिले, टोटल में कह रहा हूँ, मतलब जो वोट पोलिंग हुआ होगा टोटल मुझे 7485 वोट मिले, 7485 वोट आपको मिले, और जो आपके सामने जो कैंडिडेट, मेरे सामने 4 कैंडिडेट और थे, एक अंधोप गांव से भी कैंडिडेट थे, उनको 1100 वोट मिले, और मतलब मार्जिन अच्छा रहा जीत, मार्जिन मेरा 2000 का रहा जीत, 2000 का, यानी कि जो पहला चुनाव आपका हुआ वो बाय चांस हुआ, बाय चांस हुआ, पॉलिटिशियन तो आप थे नहीं, नहीं नहीं, राजनीति से प्यार रहा था, नौकरी कर रहे थे आराम से, अच्छी बड़ी लोगों ने कहा चुनाव लड़ लो, चुनाव लड़ लिया, जीत गए, चेयरमैन तक कैसे पहुंचे फिर? उसके बाद देखो जी, सबसे पहले तो मेरे से भी बड़े बड़े भाई हैं धर्मेंद्र जी, वो भी चेयरमैन के दौर में थे, और हमारे आदरणीय दादाएं गायत्री दादी हैं, गायत्री देवी जी अपने बामनखेड़ा से, वो भी चुनाव की दौर में थी चेयरमैन के चुनाव दौर में, और हमारे एक भाई हैं महिला सीट थी, महिला चेयरमैन थी, हाँ, तो एक रेखा है बहन जी बांसवा गांव से, नरेंद्र की वाइफ है, वो भी चुनावी दौड़ में थी, लेकिन मेरे मंत्री जी का प्यार मिला मुझे, और मेरी पाल के
चुनाव जीतने के बाद हाँ। पाल के और वार्ड के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग एक एक साथ एक मत होकर इसकी मांग के लिए गए भाई अब की बार चेयरमैन रावत पाल में दी जाए, हथीन क्षेत्र में दी जाए। हथीन क्षेत्र ही थोड़ा सा पिछड़ेपन में आता है, तो मंत्री जी का आशीर्वाद मतलब दादा दादा काना का आशीर्वाद वहां से मिल गया, यहाँ से दादा कृष्ण का आशीर्वाद, और मेरे साथियों का भाइयों का आशीर्वाद मिल गया, सभी पार्षदों का, सभी पार्षदों का। उन्होंने मुझे एक मत होकर निर्विरोध निर्विरोध मेरी मिसेज को, मेरी वाइफ को चेयरमैन पद के लिए नियुक्त करवा दिया। सेवा में सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सबसे पहले। तो मैं आपको बता चलूँ, रावत पाल जो है हथीन क्षेत्र के अंदर, वैसे पलवल क्षेत्र में और भी गांव होंगे, लेकिन हथीन विधानसभा क्षेत्र में रावत पाल का दबदबा है। रावत पाल जानी जाती है दादा कान्हा से, और दादा कान्हा जब एक मुगल शासन देश में हुआ करता था तो उस समय मुगल शासन से टकराने वालों के अंदर दादा कान्हा का नाम आज भी हमारे इतिहास के अंदर दर्ज है। जब भी कभी बात आती है देशभक्ति की तो दादा कान्हा को बड़े मान और सम्मान के साथ देखा जाता है, तो आपके लिए तो गर्व की बात है कि आप उसी पाल से। सबसे पहले तो मेरे लिए गर्व की बात यही है, अगर रावत पाल का पूरा आशीर्वाद रहा, सब लोगों ने अपील की जब मुझे ये पद मिला था, पूरा प्यार रहा है, मैं 24 घंटे तत्पर 24 घंटे लोगों में जुड़ाव रखता हूँ। कितना टाइम हो गया चेयरमैन बने लगभग, 1.5 साल तो आपका हो गया होगा। 23 जनवरी को चेयरमैन पद की शपथ ली थी मेरी वाइफ, वाइफ ने, हाँ। मेरी वाइफ ने, आज लगभग 1.5 साल हो गया है। 23 जनवरी यानी कि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। कोई कंट्रोवर्सीज जिला परिषद के अंदर किसी तरह की? बहुत ही स्मूथ जिला परिषद चलाई है, इलेक्शन हो चुका था ये, उससे पहले निर्विरोध इलेक्शन हुआ था, सभी भाई मेरे लिए बराबर थे, लेकिन अब जो पार्टीबाजी ग्रामीण राजनीति में थोड़ी बहुत रहती है पार्टी लेवल की, अब कोई हमारे पार्षद भाई कुछ कांग्रेस के समर्थक हो गए, कुछ बीजेपी के रहे हैं, तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है, पोजीशन विपक्षदार होता है। चलिए चलिए, तो थोड़ा बहुत ग्राम, जो खासकर जो छोटी सरकारें होती है ना, गांव की और शहर की चाहे कोई भी हो, उनके अंदर ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज हमेशा हुआ ही करती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जब कोई आदमी काम करता है, जब भी कोई व्यक्ति क्रियाशील होगा और एक्टिव होगा तो उसका कहीं ना कहीं विरोध भी होगा, तो इसको बहुत ज्यादा देखना भी नहीं चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉलिटिक्स साथ साथ चलती हैं। आप अपना पॉजिटिव रास्ते पर चलते रहिए, अच्छा होता। खैर, मैंने तो एक उद्देश्य है मग्गू जी, मैंने तो अपना, मेरा एक उद्देश्य है, मैं अपनी अपनी जगह पे सही हूँ और बिल्कुल निरंतर अपने लोगों से जुड़ाव रख रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। जनता मेरे लिए सब कुछ है, जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मेरा बार मनोबल बढ़ा हुआ है। तो मैं कभी किसी कंट्रोवर्सी में अपने आप को नहीं फंसाना चाहता, नहीं मैं फंसता। चलिए, अब विधानसभा चुनाव के लिए एकदम से क्या मन में आया, नौकरी छोड़ दी, भैया विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए? मग्गू साहब, लोकतंत्र है, हर कोई चाहता है अपने आप को आगे लेके आना, और फिर निरंतर मेरा जो उद्देश्य है, मैंने बिल्कुल आपसे राजनीति माने से पहले भी मैं समाज से जुड़ा रहा हूँ, मैंने समाज को कभी नहीं छोड़ा। मैंने कभी मन नहीं बनाया मैं पलवल रहूंगा, मैं कभी नहीं मन बनाया कि मैं दिल्ली रहूंगा। निरंतर जहां मेरा जो कर्तव्य था, जो मेरा कर्म था, वहां लोगों की सेवा की, समाज से लगातार जुड़ा रहा। मेरे मुंह से आज तक किसी के लिए ना नहीं निकली, जितना मेरे वश में होता मैं 100% अपना योगदान करता हूँ, किसी का काम मैं करवा सकूं, और अभी भी निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। मैं कहीं भी ये बात सोच के नहीं चलता कि मेरे से नहीं होगा, मैं कोशिश करता हूँ, एफर्ट्स करता हूँ कि मेरे से हर संभव हर किसी की मदद हो, जितना मेरे वश में होता है। अब लोगों में प्यार है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलता हूँ, लोगों में जुनून है, मेरा मनोबल इतना बड़ा हुआ है, लगातार जनता में चर्चा भी रहती है, भाई को आगे लेके आना है और ऐसे नेता की जरूरत है, ऐसा युवा साथी चाहिए, युवाओं का प्यार है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और पार्टी का आशीर्वाद हो गया, माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी गुजर कृष्णपाल गुजर जी का पूरा आशीर्वाद रहा है, उनका पूरा प्यार रहा है, पार्टी में अगर मेरे ऊपर विश्वास जताया तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे फरीदाबाद लोकसभा के अंदर जो सबसे वीक एरिया माना गया भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हथीन था, जब चुनाव चल रहा था तब भी और जब चुनाव परिणाम आए तब भी। लेकिन इस सबके बीच में एक बात और थी, और वो बात ये थी कि जो मैं अभी बात आपसे कर रहा था मनोज रावत जी से, कि रावत पाल का बीजेपी के प्रति विशेष स्नेह रहा, कृष्णपाल गुर्जर के प्रति स्नेह रहा, और ये एफर्ट्स थे इन लोगों के
कि जिससे खासकर रावतपाल के गांवों में भारतीय जनता पार्टी जीत कराई, जहां तक मैं ठीक हूं, अगर सभी गांवों में रावतपाल के सभी गांवों से। इसके अलावा जो हिंदू मैजिक कम्युनिटी वाले गांव थे वहां भी लगभग आगे रही होगी भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मुझे लगता है। तो भले ही चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव के अंदर रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह डबल है। मनोज जी, रावतपाल से आते हैं आपने कहा, रावतपाल से और भी बहुत सारे लोग हैं तैयारी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको नाम गिनवाता हूँ। सबसे पहला नाम मनोज रावत का कह दिया मैंने, आप मेरे साथ बैठेंगे। मनोज रावत के बाद में मनोज रावत के गांव से केहर सिंह रावत आते हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं रावतपाल से। फिर उसके बाद में पिछले दिनों मुझे शिव सिंह रावत मिले, वो मुझे कह रहे थे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरे स्टूडियो में भी थे। उसके बाद में कर्नल राजेंद्र रावत अहरवा गांव के, मुझे वो भी कह रहे थे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये चार नाम तो प्रमुख हैं, इन चार में मनोज रावत को रावतपाल क्यों अपनाए या क्यों समर्थन दे ज़्यादा? देखो जी, हमारे सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी केहर सिंह रावत जी मेरे गाँव से ही हैं, मेरे गाँव से क्या, मेरे लगभग परिवार के सदस्य ही हैं, नज़दीक ही हैं, पहले विधायक भी रहे हैं। रावतपाल मेरा परिवार है, आदरणीय शिव सिंह बाबू जी मेरे पिता समान है, आदरणीय कर्नल साहब मेरे पिता समान है। सबसे पहले तो ये भरोसा, ये पार्टी का डिसीजन है, पार्टी किसको साथ देगी, किसको टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, टिकट मिलेगी, अपील करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। लोकतंत्र है, कोई भी अपने लिए, भाई साहब भी मेहनत कर रहे हैं, केहर सिंह रावत जी भी, शिव सिंह रावत जी भी जनता में लगातार अग्रसर जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में ना होते पार्टी के हाथ में है। आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का आशीर्वाद रहा और कोई अवसर मिला पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, नायब सिंह सैनी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, पार्टी के संगठन का आला कमान का अगर आशीर्वाद रहा, जनता की सेवा करने का अवसर मिला, तो 100% तैयार है अपना पूरा योगदान। तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी से ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया आप पर, आपको भरोसा जताया, तो ही तैयारी है। बिल्कुल, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा अभी कोई ऐसा वो नहीं है। और पार्टी के सच्चे सेवक है, पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, अवसर मिलता है तो। और कोई अभी तक तो ऐसी सोच नहीं है और ना ही आगे होगा। आखिरी सवाल पे आते हैं आपके साथ में, हथीन के लिए आपकी योजनाएं क्या हैं, क्या सोचते हैं हथीन में? पिछले 10 साल से आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, पिछले 5 साल से आपकी पार्टी का विधायक है, और पिछले 1.5 साल से आपकी सरकार है जिला परिषद की, यानी कि 3-4 इंजन सारे जुड़े हुए हैं आपके। कितना काम तो हो गया हथीन में, और कितने के आप समझते हो क्या होना चाहिए अभी? और मग्गू साहब, विधायक और जिला परिषद बहुत डिफरेंट है। जिला परिषद का निजी फंड होता है, लेकिन विधायक सर्वे सर्वा सदन में जो पास करा के लाते हैं, विकास में सबसे अहम योगदान विधायक कराता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में पूरा विकास कार्यों के लिए पूरा पैसा दिया है, पैसा लगा भी है, ग्राउंड पे भी दिखता है, विकास कार्य खूब हुए हैं 5 साल में। ये कार्यशैल होती है विधायक जी का मैं बुराई नहीं करूंगा, बहुत अच्छा नेचर है, और मतलब ये तो कार्यशैली का अंतर होता है, किसकी कार्यशैली किस तरीके की है, कौन लोगों से जुड़ के रहता है, किस हिसाब से लोग उम्मीद और विश्वास करके उसे अपना कितना अपना समझ के चलते हैं, कितनी ये कार्यशैली का अंतर होता है। तो हमारा लोगों में जुड़ाव है, विधायक जी भी निरंतर मेहनत कर रहे हैं विकास कार्यों में। तो हथीन में अब की बार जो अब हथीन में क्या पूरे हरियाणा में, अच्छा हथीन की समस्या मैं बताता हूँ आपको, बताते जाना मुझे। अब हथीन में एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है आपके, हथीन के अंदर महिला कॉलेज खुले 2-3, मिंडकोला कॉलेज खुला, उनके अंदर स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग बन गई, भवन बड़े सुंदर बन गए, बच्चे पढ़ेंगे तो तब जब अध्यापक होंगे, वहाँ फैकल्टीज नहीं है। हथीन के जो स्कूल हैं राजकीय गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ सिस्टम और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो राजकीय है, सरकारी है, सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपके हथीन के अंदर जो हेल्थ की कंडीशन अगर आती है, हेल्थ वाइज अगर देखते हैं, तो आपका नागरिक अस्पताल का भवन तो अच्छा बन गया, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा भी आज तक लोगों को पूरी नहीं मिलती, डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं। इसके बाद में अगर देखते हैं तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी अगर देखें तो शाम को 5 बजे के बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप हो जाती है। इन तीनों के लिए मनोज रावत की क्या योजना है कि अगर सरकार में या विधायक बनने का मौका मिल जाए? सबसे पहले तो मग्गू साहब, मेरी सबसे पहले जो मेन फोकस है
वो है रोजगार पे, जो हमारे युवा साथी जो मिडिल वर्ग के हैं, वैसे हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। इसके हाल में पहली बार इस सरकार में ऐसा हुआ है, बिना खर्ची के बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, अपने आप घर बैठे लेटर आ जाता है। सबसे पहले जो मेन उद्देश्य है वो रोजगार पे है, सबसे पहले तो युवा साथियों के लिए रोजगार के लिए, वो शिक्षा अच्छी होगी तो रोजगार के लिए आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद हेल्थ पे भी अपना फोकस करेंगे, सुचारू रूप से अपने जो अस्पताल हैं, जो अपना हथीन में वो बना प्रयास किया जाना चाहिए, सीएससी पीएससी जहाँ भी है पूरा स्टाफ अवेलेबल कराएंगे। और शिक्षा के लिए अभी हमारा एक गवर्नमेंट ने, हमारी हरियाणा सरकार ने मानपुर गांव में महिला विश्वविद्यालय, हाँ, महिला कॉलेज का प्लान हुआ है, क्लासें भी वहाँ स्कूल में शुरू करा दी गई हैं अब की बार 8 से। अच्छा, कॉलेज शुरू हो गया? कॉलेज शुरू, उसके फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं, हाँ। और क्लास अब की बारी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी बिल्डिंग तो नहीं बनी? बिल्डिंग नहीं बनी, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट अभी तैयार होने में समय लगेगा, लेकिन क्लासेज शुरू करा दी गई है। ये तो अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। हम धन्यवाद करते हैं जी अपने हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, ये बहुत अच्छी उनकी पहल रही है। तो शिक्षा के मामले में भी सरकार का पूरा ध्यान है, और हम अपनी अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, तो अपनी आवाज उठाएंगे तो और प्रयास करके इन चीजों को और बढ़ावा। बोला पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपको आपके हथीन में बस स्टैंड बन चुका है, हथीन में बस स्टैंड बन चुका है, बस स्टैंड की हालत क्या है आपको बता हुआ? नहीं, वैसे देखो जी, जो मेन रूट है अब तो लोगों के पास अपने सुविधाएं, अपने व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो जरूरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरी है लगातार, सबके पास चार पहिए वाली गाड़ी तो होगी नहीं, नहीं होती। आम आदमी के लिए जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा और उसका एक स्ट्रक्चर अच्छा हो, तो ये प्रयास भी जरूर किया जाना चाहिए, मेरा आपको सुझाव है कि ये प्रयास भी जरूर होना चाहिए। लगभग सभी रूटों से बसें चलती हैं, और जहां जैसे लगातार बसें चलाई भी गई हैं, वहीं से चंडीगढ़ बस चलती थी, होडल से लोकल में से होकर बस चलती है, हमारे सभी गांव में से बस लगभग होके जाती हैं, लेकिन जहां से लगातार एक महीने चलने के बाद लॉस में आया, कोई सवारियां नहीं चलती हैं, वो रूट बंद किए गए हैं जी, नहीं तो बसें लगातार चली नहीं, मतलब जहां भी जरूरत होगी उसके तरफ से, हाँ। ये भी प्राथमिकता में रखिएगा, प्राथमिकता में। देखो जी, मेन शिक्षा, जल एक सबसे बड़ी समस्या हमारी, पानी की, हाँ बिल्कुल, आप सबसे बड़ी समस्या पानी की, उधर तो हो गया डागरपाल की तरफ सेम की समस्या, वहाँ पानी भरत, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय, इनके आशीर्वाद से कुछ ट्यूबवेल पास भी हुए हैं, तो कुछ समस्या का समाधान लगभग होने लगा है। अब हमारे सबसे ज्यादा जो समस्या है, हमारे रावतपाल की तरफ हतीन से जो आगे के गाँव है, वहां की समस्या पीने के पानी की समस्या, सिंचाई के लिए पानी की समस्या, तो हमारी लगातार ये आवाज रहती है, हमारी लगातार जो बात होती है, लगातार डिस्कस होता है, अधिकारियों से भी बात होती है कि ऐसा समाधान किया जाए, महीने में अगर 10 दिन भी पानी हमें मिल जाता है खेतों में सिंचाई, नहरी पानी मिल जाता है, तो उससे हमारी फसल हो जाती है। हमारे वहाँ पानी का स्तर, जमीनी स्तर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जमीनी स्तर का पानी तो बिल्कुल खारा पानी, जब नहरें चलेंगी तो ऑटोमेटिक जमीन का भी लेवल बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली समस्या हमारी ये किसानों की समस्या, ये जरूर दूर होनी चाहिए। दूसरी हमारी पीने के पानी की समस्या, अभी 9.5 करोड़ का एक हमारे बूस्टर का उद्घाटन किया है आदरणीय हमारे जो मंत्री जी हैं बनवारी लाल जी, उनके द्वारा लगभग 15 से 20 दिन हुए हैं, तो कुछ राहत सी उससे मिली है, लेकिन अभी हमारे कुछ गाँव ऐसे बचे हैं जहाँ अभी भी पानी की समस्या है, और निरंतर प्रयास जारी है। हम भी आदरणीय चौधरी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से, विधायक जी से, माननीय मंत्री बनवारी लाल जी से अपील करते हैं कि पानी की मात्रा पूरी हो और सभी को पानी मिले, और हम इसकी आवाज भी उठाएंगे। ये पानी का मुद्दा हमारे लिए सबसे अहम रहेगा जी। और कुछ विशेष बात आप कहना चाहें? विशेष बात तो ये है, मैं तो धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आपने मेरा संदेश जनता तक पहुँचाने के लिए मुझे बुलावा दिया है। मेरे लिए तो अपनी 36 बिरादरी की जनता की सेवा के लिए मैं बना हूँ, और मैं 100% अपना पूरा योगदान सेवा में, लोगों की सेवा में अपने आप को अर्पित करता हूँ। तो ये थे मनोज रावत, जो सरकारी यानी कि पुलिस की नौकरी में, मैं आपको बता दूं, पुलिस की जो नौकरी मानी जाती है, वर्दी वाली नौकरी जितनी भी होती है, वो वर्दी वाली नौकरी एक सेवा का माध्यम होती है, चाहे वो वर्दी पुलिस की वर्दी हो, चाहे वो वर्दी सेना की वर्दी हो, चाहे वो वर्दी डॉक्टर की वर्दी हो, यानी कि जिसमें यूनिफॉर्म है वो सेवा का माध्यम माना जाता है। तो एक सेवा के माध्यम में पुलिस की नौकरी में थे, वहाँ से बाई चांस राजनीति में आ गए, जो मैंने खुद भी इन्होंने बता दिया। बाई चांस राजनीति में आने के बाद में लगा कि जनता की सेवा के लिए कुछ और भी किया जाना चाहिए, तो फिर पॉलिटिक्स के अगले पायदान की तरफ, यानी कि ग्रामीण पंचायती राजनीति से अब चंडीगढ़ की राजनीति, विधानसभा की राजनीति की तरफ अग्रसर हैं।
हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आपकी जो ये इच्छा है, जो आपकी अभिलाषा है, मजा आता है जनता की सेवा करने वो पूरी हो। और ताकि और वैसे भी बेटर है कि अगर मैंने पहले ही कहा था कि अगर यूथ आगे आएगा तो फिर उसके बाद में आप मान के चलें कि उन सपनों को पंख लगेंगे जो लोग देखते हैं। आज के में इतना ही, अगले वीडियो में आपको किसी और शख्स से मिल पाऊंगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे।